epidermis है, then hypodermis, then cortex, then endodermis, pericycle and vascular bundle are arranged in a ring. तो इसमें जो है अगर आप टिश्यूज को देखोगे इसी ऑर्डर में ये सारा है. अगर प्रोटोडर्म, डर्मा मतलब स्किन, तो ये एपिडर्मिस बना रहा है, ये हो गया इसमें एपिडर्मिस. और अगर प्रोकैम्बियम है तो ये जाइलम फ्लोएम के साथ अगर कैम्बियम प्रेजेंट है इंट्राफेसिकुलर तो इसको भी बनाएगा, क्योंकि डाइकॉट्स में होता है, मोनोकॉट्स में नहीं. इसके अलावा ग्राउंड मेरिस्टेम है तो ये हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुला, मेडुलरी रेस, ये सारा ग्राउंड मेरिस्टेम इसका कहलाता है, ग्राउंड टिश्यू कहलाता है. तो ग्राउंड मेरिस्टेम को ग्राउंड टिश्यू ये बनाएगा, ठीक है. तो ये फंक्शन के बेसिस पर है, इसको फटाफट नोट कर लो. हो गया, तुम लोग ये सुनते हो या मौका पाते ही टीपना शुरू कर देते हो? इसको सुनना ज़रूरी है. मिलने को तो ये सारे नोट्स कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो है ये सुनना ज़रूरी की चीज़ें यहीं पर याद रखो. चलो अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें आता है एपिकल मेरिस्टेम से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं. एपिकल मेरिस्टेम से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं. उस थ्योरीज में आपको एक एपिकल सेल थ्योरी है, उसमें बेस कोई क्वेश्चन नहीं आता. सेकेंड हैंस्टिंग की थ्योरी है, इसमें हिस्टोजन थ्योरी. और थर्ड थ्योरी इसमें आती है कॉर्पर कैपे थ्योरी, शिव की एक ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी भी है, ठीक है ना. तो ये थ्योरीज आपको इसमें पढ़ना है, सारे एपिकल मेरिस्टेम से रिलेटेड हैं. उसमें आपको ये ध्यान रखना है किस थ्योरी को किस साइंटिस्ट ने दिया. दूसरा, ये एप्लीकेबल है शूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए है या फिर रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए है, और कौन सा पार्ट इसका स्टेम या रूट में कौन सा पार्ट बना रहा है. इसमें जो क्वेश्चन अभी तक आया है वो हिस्टोजन थ्योरी से है, या बहुत पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी से भी आया हुआ है, ठीक है. स्टेट पीएमडी के पॉपुलर क्वेश्चंस में है यहाँ पर शिव की थ्योरी, जिसे यहाँ पर कॉर्पर कैपे थ्योरी कहा गया, ठीक है. तो वन बाई वन ये थ्योरी मैं बढ़ाने जा रही हूँ, और ये थ्योरी रिलेटेड है सारी एपिकल मेरिस्टेम से. अब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए या रूट, इसको आपको अलग अलग नोट करना है, ठीक है. तो पहले नेक्स्ट हेडिंग डालो उसमें, ये सबका कंप्लीट. चलो तो इसमें लिखो थ्योरीज रिलेटेड टू एपिकल मेरिस्टेम. चलो यहाँ पे लिखो थ्योरीज रिलेटेड टू एपिकल मेरिस्टेम. Related to apical meristem. चलो इसमें सबसे पहले ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ट्यूनिका नहीं, सबसे पहले आपको लिखना है नागिलीज एपिकल सेल थ्योरी. तो यहाँ लिखिएगा एपिकल सेल थ्योरी. इट वॉज प्रपोज बाय नागिली. देखो इस पे भी बेस कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम लोग लिख क्यों रहे हैं? लिख इसलिए रहे हैं जब आप ब्रायोफाइट्स में थैलस बनाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेबल है, क्योंकि वहाँ पर भी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है बाई परसिस्टेंट एपाइसिस, यानी पूरा का पूरा थैलस. थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ थैलस होता है क्या है. इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आप बनाते हैं, उसमें ये जो है इस तरह से, इसको कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग, जो कंप्लीट ना नीचे तक ना जाए, बीच में ही ब्रेक हो जाए, इसको कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग. और इसके अलावा ये सब क्या है, एपिकल नॉच है, एपिकल नॉच. तो इस एपिकल नॉच पे जब आप देखेंगे तो यहाँ जो है एपिकल बड, सिंगल एपिकल बड, यहाँ पे सिंगल सेल प्रेजेंट है इस एपिकल बड में, या यूं बोल दो कि एपिकल नॉच में सिंगल सेल प्रेजेंट है, सिंगल एपिकल सेल. पूरा का पूरा थैलस अगर एडवर्स कंडीशन में डिस्ट्रॉय भी हो जाए और एक सिंगल सेल ये बची हैं, तो ये डेवलप होकर के न्यू थैलस बना देती हैं. यही एपिकल सेल थ्योरी भी है. नागिली ने डिफाइन किया था कि जो एडवांस सेल ही है, ब्रायोफाइट्स हैं और कुछ टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें जब देखोगे तो एपेक्स पे सिंगल सेल प्रेजेंट होती है,
तो सिंगल सेल जो है वो एंटायर प्लांट बॉडी के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, यही एपिकल सेल थ्योरी है। लेकिन ये जो है सेल थ्योरी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं हुई, क्योंकि जो हायर प्लांट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है वहाँ कभी भी एपेक्स पर सिंगल सेल होती ही नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। इसे ये थ्योरी जो है कभी भी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंगल एपिकल सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, बट इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर एडवांस सेल की ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ड्यू टू हैविंग ग्रुप ऑफ सेल्स। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो। इसे रूट शूट कहीं भी नहीं बताना आपको, इसमें लिखिए सिंगल एपिकल सेल, सिंगल एपिकल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सिंगल एपिकल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ, सिंगल एपिकल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटायर प्लांट बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एप्लीकेबल फॉर एडवांस एल्गी ब्रायोफाइट्स, एल्गी ऐसे लिखना 11th क्लास, मुझे मालूम है तुम लोग लिख लोगे, अभी मैं कॉपी चेक करूँ ना, तो एक से एक जो है शॉर्टकट मार के बैठोगे कि वो भी नहीं पढ़ने में आएगा क्या है। चलो एल्गी ब्रायोफाइट्स एंड सम टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में पी साइलेंट है, तो कोई पटेरिडोफाइट नहीं पड़ेगा, सब लोग धीरे धीरे बोलते हैं, हम बोलते यही हैं, तो टेरिडोफाइट ही आपको बोलना है, सम टेरिडोफाइट्स, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ड्यू टू हैविंग, बाद में मुस्कुरा लेना, जल्दी नोट करो, ड्यू टू हैविंग ग्रुप ऑफ सेल्स, ड्यू टू हैविंग ग्रुप ऑफ सेल्स एट एपेक्स, ड्यू टू हैविंग ग्रुप ऑफ सेल्स एट एपेक्स। ये सबको क्लियर?